सुप्रभात बच्चों। बेटा आशा है आप सब लोग ठीक हैं और खूब अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। बेटा आपको पता है कि आपके PT2 एग्जाम्स भी हो गए हैं और आपने बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी बेटा मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि कुछ गलतियाँ देखने को मिली, स्पेलिंग एरर्स देखने को मिले और कुछ टॉपिक्स मुझे ऐसे लगा जैसे आप लोगों ने रिटर्न प्रैक्टिस नहीं की है। बेटा आप लोगों ने रिटर्न प्रैक्टिस जरूर करनी है और चैप्टर्स जो मैं आपको पढ़ाती हूँ वो साथ साथ आप लोगों ने पढ़ने हैं। ऐसा नहीं करना कि हम बुक की रीडिंग नहीं करें, ठीक है? ये बात मैं क्यों कह रही हूँ बेटे, क्योंकि जब मैंने देखा कि आपने पठित अपठित गद्यांश हल किए हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ की है। इसका कारण क्या है कि हम रीडिंग नहीं कर रहे, हमें रीडिंग करनी नहीं आ रही है। बेटा आप घर पर रहते हुए आपके पास बहुत अच्छा समय है कि आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, रिटर्न प्रैक्टिसेस ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखना है और अगली बार ये गलतियां नहीं दोहरानी है, ओके? अब बेटा हम लोग अपने PT3 के सिलेबस के साथ आज शुरू करने जा रहे हैं। अपनी किताबें निकाल लो, मैं पढ़ूंगी समझाऊंगी और साथ साथ में आप लोग पढ़ते जाएंगे, ओके? अपनी पेंसिल अपने पास रखिए और अपनी बुक अपने पास रखिए, ओके बेटा? हम नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है ऐसे थे बापू। बापू शब्द सुनकर हमें किसकी याद आती है? ये पाठ किनके बारे में है? ऐसे थे बापू, किन्हें कहते हैं बापू? महात्मा गांधी को, ओके? और महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था पता है किसी को? उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, ओके? और उन्हें हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। अब उन्हें महात्मा क्यों कहते हैं पता है? महात्मा का मतलब होता है महान आत्मा, ऐसा कोई पुरुष जिसने बहुत ही अच्छे और बहुत ही महान काम किए हैं, ओके? महात्मा गांधी जी ने क्या किया था पता है? वो कैसे थे? उन्होंने हमें आजादी दिलाने में बहुत ज्यादा मदद की, बहुत ही संघर्ष किया। और महात्मा गांधी कहते थे हमें अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहिए। अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, लड़ाई झगड़ा ना करना, शांति के साथ रहना। वो हमेशा कहते थे कि शांति बनाए रखना चाहिए और कभी भी लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा महात्मा गांधी स्वच्छता को बहुत मानते थे। स्वच्छता मतलब साफ सफाई, हमेशा कहते थे कि हमें अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। और महात्मा गांधी अपने काम खुद करते थे, पता है आपको? अपने सारे काम खुद करते थे, किसी पर डिपेंडेंट नहीं थे। हालांकि उनके बहुत सारे शिष्य थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनका काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे कि मैं आपके लिए ये कर देता हूँ, मैं आपके लिए वो कर देता हूँ, लेकिन नहीं। महात्मा गांधी का एक आश्रम था, उस आश्रम में कई लोग रहते थे। वहां पर वो लोगों को यही कहते थे कि हमें अपने काम खुद करने चाहिए, किसी से अपना काम नहीं करवाते थे। इसके अलावा आपको और पता है, महात्मा गांधी पैदल चलने में विश्वास रखते थे। वो कहते थे हम जितना पैदल चलेंगे हम उतने ही तंदुरुस्त रहेंगे, हम उतने ही स्वस्थ रहेंगे, ठीक है? हमें बेटा बहुत सारी किताबों में, बहुत सारे पाठों में ऐसी बहुत सारी घटनाएं पढ़ने को मिलती हैं जो ये बताती हैं कि महात्मा गांधी कैसे थे। हमारी किताब का जो पाठ है ऐसे थे बापू, उसमें भी हमें ऐसी ही कुछ बातें पढ़ने को मिलेंगी। तो अपनी किताबें सब लोग खोल लीजिए। आपकी बुक में पेज नंबर 75 पर पाठ दिया है ऐसे थे बापू, ठीक है? पढ़ना शुरू करते हैं। महात्मा गांधी को
बापू के नाम से जाना जाता है। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उन्होंने हमें अंग्रेजों की गुलामी से आजादी दिलाई। आपको पता है ना कि हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, उससे पहले 15 अगस्त 1947 से पहले बेटा हमारा देश गुलाम था। किसका गुलाम था? अंग्रेजों का। तो महात्मा गांधी जी ने हमें अंग्रेजों से आजादी दिलवाई। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। गुजरात सबको पता है ना, राज्य है गुजरात, वहां पर एक जगह है पोरबंदर, वहां उनका जन्म हुआ। बापू बहुत सीधा सादा जीवन जीते थे, बहुत ही सिंपल थे। आपने सुना है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, यानी कि हमें अपने विचार ऊंचे रखने चाहिए और सादा जीवन जीना चाहिए। ऐसे ही बापू थे। वे एक कुटिया में रहते थे, एक कुटिया उन्होंने बना रखी थी, कोई बहुत बड़ा बहुत आलीशान घर नहीं था, एक कुटिया में रहते थे। वे अपने चरखे पर सूत कातते थे, धागा बनाते थे, सूत कातते थे, चरखा चलाते थे। उनका आपने अगर फोटो देखी हो, बहुत सारी फोटोज में ऐसे देखने को मिलते हैं कि बापू बैठे हैं और चरखा कात रहे हैं, है ना, सूत धागा बनाते थे। उसी सूत से बनी खादी के कपड़े पहनते थे, खुद सूत कातते थे, उससे कपड़ा बनता था और उसी सूत के बने कपड़े, उसी खादी के कपड़े पहनते थे। एक दिन की बात है, कुछ बच्चे मिलकर उनकी कुटिया पर गए। उस समय बापू कुटिया की सफाई कर रहे थे। देखो मैंने आपसे कहा था ना कि स्वच्छता की ओर बहुत ध्यान देते थे, है ना, सफाई की ओर ध्यान देते थे, और दूसरी बात कि अपने काम खुद करते थे, और वो कुटिया की सफाई कर रहे थे। गणेश ने पूछा, बापू आप कुटिया की सफाई अपने आप क्यों कर रहे हो? बापू ने कहा, बच्चों हमें अपने सभी काम स्वयं करने चाहिए। और हम क्या करते हैं, हमें अगर पानी भी पीना होता है तो हम मम्मा को आवाज देते हैं ना, मम्मा पानी देना, ऐसे करते हैं ना, मेरे बर्तन ले जाओ, मम्मा आपको खाना भी देती हैं, आपके बर्तन भी रखकर आती हैं, आपको पानी भी देती हैं, सब काम करती हैं, है ना। लेकिन बापू ये कहते थे कि हमें अपने सभी काम खुद करने चाहिए, दूसरों पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। निर्भर मतलब डिपेंडेंट, हमें दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, अपने काम खुद करने चाहिए, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर का मतलब क्या है? अपने पर निर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। फिर उन्होंने पूछा, तुम अपने घर में सफाई का क्या काम करते हो? बापू ने बच्चे से पूछा कि तुम अपने घर में सफाई का कौन कौन सा काम करते हो? आप अपनी मम्मा से, आप मम्मा के साथ काम करवाते हो सफाई का, झाड़ू लगाना या पोछा लगाना या डस्टिंग करना, है ना, कई सारे छोटे छोटे काम होते हैं। राधा बोली, मैं अपनी माँ के साथ घर की सफाई करती हूँ। रमेश ने बताया, मैं घर के बाहर की सफाई पर ध्यान देता हूँ, कचरा कूड़ेदान में जमा करके नगर निगम की गाड़ी में डालता हूँ। हम क्या करते हैं बहुत बार कि कचरा इधर उधर फेंक देते हैं, जो कूड़ा है, जहां हमने बिस्किट्स खाए, कोई टॉफी खाई, वहीं पर उसका रैपर गिरा दिया। और मम्मा कई बार कहती है ना कि जहां खाते हो वहीं पर सब गंद डाल देते हो, वहीं पर रैपर्स पड़े रहते हैं, डस्टबिन में डाला करो, है ना, कूड़ेदान मतलब डस्टबिन। रमेश ने बताया कि मैं अपने घर के बाहर की सफाई, जहां हमारा दरवाजा है, हमारे जो गली का रास्ता है ना, वहां पर भी तो सफाई करनी जरूरी है ना। और उसने कहा, सारा कचरा मैं कूड़ेदान में जमा कर देता हूँ, उसमें डाल देता हूँ और नगर निगम की गाड़ी में डाल देता हूँ। बापू बोले, शाबाश, हमें भारत को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छ मतलब साफ, स्वच्छ का मतलब होता है साफ, साफ सुथरा बनाना है।
साफ सुथरा, स्वच्छ। ओके, इससे क्या होगा, जब भारत साफ सुथरा होगा, हमारा आसपास साफ सुथरा होगा, तो इसी से हम बीमारियों से बच सकेंगे। अब हमें भारत को स्वच्छ बनाना है बेटे, इसका क्या मतलब है भारत को स्वच्छ बनाना, हम कैसे उसको स्वच्छ बना सकते हैं? हम अपने घर से शुरू करें, अपने स्कूल से शुरू करें, है ना, अपने आसपास से। अगर हम ये सोच लें कि मैं कोई भी कचरा इधर उधर नहीं फेंकूंगा, मैं हमेशा जो भी खाऊंगा उसके जो भी खाली रैपर्स हैं या कुछ भी कचरा है वो मैं डस्टबिन में ही फेंकूंगा। लोग दीवारों पर थूक देते हैं, है ना, प्रॉपर्टी खराब करते हैं, आप बेंचेस खराब कर देते हो, लिख देते हो, कहीं घूमने जाते हैं दीवारों पर, पेड़ों पर लिख देते हैं, क्या वो ठीक है? नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं करना। अगर हम अपने से शुरू करें, अपने फ्रेंड्स को ये बताएं, अपने फैमिली मेंबर्स से ये बारे में बात करें, उनसे ये सीखें, अगर हम अपने लेवल से शुरू करें, अपना घर, अपनी गली, अपना मोहल्ला, अपना स्कूल, अगर सब मिलकर इस तरह से सफाई रखनी शुरू करें, तो पूरा भारत अपने आप ही स्वच्छ हो सकता है ना। और इससे क्या होगा कि बीमारियां भी नहीं फैलेंगी, हम बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। बापू ने कहा, यह तुम बहुत अच्छा करते हो, हमें आसपास का वातावरण तो स्वच्छ रखना ही है, साथ ही अपने शरीर की सफाई पर भी ध्यान देना है। रोज नहाना चाहिए, अपने नाखून काटने चाहिए, है ना, और साफ सुथरे धुले हुए प्रेस किए हुए कपड़े पहनने चाहिए। गणेश ने बताया, बापूजी मैं प्रतिदिन नहाता हूं, प्रतिदिन मतलब हर रोज। उसने कहा कि मैं हर रोज नहाता हूं, हमें हर रोज नहाना चाहिए, और इससे हम स्वस्थ रहते हैं, हम तंदुरुस्त रहते हैं, हमें कई बीमारियां भी नहीं लगती हैं, और नहाकर साफ धुले कपड़े पहनता हूं। गरिमा ने कहा, हमें खाना खाने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोना चाहिए, है ना, जैसे अब कोरोना आ गया, एक बीमारी आ गई, तो हम हाथ धोते हैं, सैनिटाइज करते हैं, कितना ध्यान रख रहे हैं, है ना, लेकिन हमें रेगुलर रूटीन में ये सब करना चाहिए। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हाथ धोने चाहिए, कुल्ला करना चाहिए, है ना। राधा ने पूछा, ऐसा क्यों? तो गणेश ने बताया, इससे बाहर के कीटाणु भोजन के साथ हमारे पेट में नहीं जाते। कई बार हम जंक फूड खाते हैं, हमें वो नहीं खाना चाहिए। कई बार ऐसे ही खुला पड़ा खाना हम खा लेते हैं, वो भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस पर जो कीटाणु होते हैं वो हमारे अंदर चले जाते हैं और हमें कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं। बापू ने समझाया, हमें दांतों की सफाई भी रोजाना करनी चाहिए, ऐसा ना करने से दांतों में कीड़ा लग जाता है। याद है हमने पहले एक पाठ पढ़ा था दांतों की सफाई, है ना, हमें सुबह शाम दो समय दांतों को साफ करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, और कुछ भी खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए। सभी बच्चों ने बापू को धन्यवाद कहा। बापू ने उन्हें खाने के लिए चने दिए। चने खाने से दांत मजबूत होते हैं, आपको पता है ये बात, चने खाने से दांत मजबूत होते हैं। और एक और बात बताऊं, जब आप भुने हुए चने खाते हैं ना, कईयों पर, कई लोग छिलके वाले खाते हैं, कई बिना छिलके वाले खाते हैं ना, उससे आपकी हाइट भी लंबी होती है चने खाने से। अगर आप गुड़ चने खाते हैं, रोज रूटीन में मुट्ठी भर चने खाओ, जब आप शाम को भूख लगती है तो जंक फूड खाते हो ना, आज स्माइलीज बना दो, आज बर्गर खाना है, आज मैगी खानी है, उसकी जगह पर अगर आप एक मुट्ठी भुने हुए चने खाएंगे तो आप तंदुरुस्त रहेंगे, हाइट भी लंबी होगी, दांत भी मजबूत होंगे। ओके बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी, है ना, उन्होंने भी स्वच्छता अभियान चला रखा है। हम सभी को उसमें सहयोग देना चाहिए। सबको पता है 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान चलाया गया था। स्वच्छता अभियान मतलब हमें भारत को स्वच्छ बनाना है,
और हम सबको इसमें योगदान देना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हम अपने घर से, अपने स्कूल से, अपने कमरे से शुरू कर सकते हैं और हम अपने देश को स्वच्छ बना सकते हैं। ओके, तो हमें आज से ही ये सोच लेना चाहिए, ये प्रण ले लेना चाहिए कि हम स्वच्छता बनाए रखेंगे, अपने से शुरू करेंगे, हम खुद स्वच्छ रहेंगे, साफ सुथरे रहेंगे, रोज नहाएंगे, नेल्स काटेंगे, अपने दांत साफ रखेंगे, है ना, अपने को सुंदर बनाएंगे। अगर हम खुद को सुंदर बनाएंगे, अपना घर, स्कूल, गली मोहल्ला सुंदर बनाएंगे, तो हमारा भारत अपने आप ही सुंदर बन जाएगा। ओके बेटा, ये पाठ है ऐसे थे बापू, आप लोगों ने इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है। ओके, और इसके क्वेश्चन आंसर्स बेटा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।